दोस्तों, कंप्यूटर का ऑनबोर्ड साउंड कार्ड अगर प्रॉब्लम करने लगा है और उसका साउंड नहीं निकाल रहा है और साउंड आप सुन नहीं पा रहे हैं और वो मदरबोर्ड को रिपेयर भी नहीं कर पा रहा है, तो कैसे आप साउंड को सुन सकते हैं? उसका सब्स्टिट्यूट का तौर पे आप कौन सा डिवाइस आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप साउंड सुन सकते हैं? चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये USB साउंड डिवाइस है। इसको आप ऐसे आपका कंप्यूटर में USB पोर्ट में लगा के सीधा साउंड सुन सकते हैं। इसके लिए कोई ड्राइवर वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये प्लग एंड प्ले है। आसानी से आप USB पोर्ट में लगाएंगे तो इसमें से साउंड भी सुन सकते हैं और माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें साउंड का, हेडफोन का पूरा दो पोर्ट रहता है। तो ये हेडफोन का साइन दिया हुआ पोर्ट में आप स्पीकर भी लगा के आप साउंड सुन सकते हैं और माइक्रोफोन का पोर्ट जो है उसमें माइक्रोफोन लगा के आप साउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आसानी से। ये फुल्ली प्लग एंड प्ले है। इसको लगा देने से ये चलने लगता है। इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ नहीं लगता है। ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा स्पीकर है, USB पावर वाला। USB पावर हम दे देता हूँ। इसका USB पावर दे देता हूँ। USB पोर्ट में लगा के, USB पोर्ट में लगा दिए हैं। ये देखिए, स्पीकर में पावर आ चुका है। ये देखिए, पावर इंडिकेटर जल रही है। तो अभी इसका जो साउंड इनपुट का जो जैक है, ये साउंड इनपुट का जैक हम लगा देंगे। वो कार्ड में जिधर हेडफोन का साइन दिया हुआ है उधर हम लगा देंगे। लगा दिए हैं। अभी देखते हैं कि साउंड निकालता है कि नहीं निकालता है। देखिए, ये एकदम आसान तरीका है। मदरबोर्ड का ऑनबोर्ड साउंड अगर खराब हो चुका है और रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो आप ये डिवाइस लगा के आसानी से साउंड सुन सकते हैं। इसका क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये USB साउंड डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम अपना एक YouTube वीडियो प्ले करेंगे और देखेंगे कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मेरा नमस्कार दोस्तों, अपना आज YouTube लिनोवो जी वन चैनल का वन एक जीरो वीडियो है। आईपेन 15 IKB देखिए, ये साउंड आ ये रहा है लैपटॉप और का कीबोर्ड वो चेंज USB करेंगे। साउंड डिवाइस जो है उसका इसका मॉडल इंडिकेटर नेम ब्लिंक होता करने है लगा है। इसके ATTH, मतलब इसका साउंड कीबोर्ड चेंज करना काम कर होगा। रहा है। जब तो साउंड चलिए निकालता है इसका USB कीबोर्ड डिवाइस चेंज से करते हैं। तो ये ब्लिंक करने लगता है। और देखिए, ये साउंड सही से आ रहे हैं। दोस्तों पहले इसका ये बैक कवर का स्क्रू निकालना होगा, तो एक एक करके और हम खोल लेता दिखा हूँ। देते हैं कि इसी स्पीकर से साउंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जो वीडियो हम चलाए हैं उसका लिंक भी हम आई बटन में दे देंगे। आप आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ नज़दीक से। देखिए, ये USB साउंड डिवाइस ब्लिंक कर रही है। मतलब ये काम जब करेगा तब इंडिकेटर ब्लिंक करने लगता है। ये सारा ये स्क्रू देखिए, निकाल लिए हैं। ये स्पीकर से साउंड निकल ये रहे हैं। डीवीडी राइटर का स्क्रू होता है, इसको खोलने से आप तो डीवीडी ये राइटर को सक्सेसफुली प्रेस करिए, काम कर इसमें से रहे हैं। डीवीडी राइटर निकल जाता है। दोस्तों, ऐसा डीवीडी टेक्निकल राइटर को वीडियो इस पहले चैनल निकाल में लेना है, आता रहेगा। तो हम डीवीडी राइटर तो को आप बाहर लोग इस निकाल लिए। चैनल के साथ
जुड़े रहिए और देखते रहिए ये चैनल, साइड में रख देते हैं। फिर मुलाकात होगी दूसरा कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।